नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ITAT के द्वारा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत क्लेम भी कर लेता है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो भी उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए डिसीजन दिया गया है। केस के फैक्ट इस प्रकार है, टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिखाया गया, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने इस रिटर्न की स्क्रूटनी की किया तो उसमें पता चला कि प्रॉपर्टी तो टैक्स पेयर के द्वारा अपने बेटे को गिफ्ट में कर दी गई थी। इस प्रकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो गलत कैलकुलेट किया गया था। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस क्लेम को डिसअलाउ कर दिया और इसके साथ ही पेनल्टी भी लगाई टैक्स पेयर के ऊपर कि उसने गलत तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्लेम किया था। इस केस में टैक्स पेयर ने पहले अपील CIT अपील के पास फाइल की थी, लेकिन CIT अपील ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही ऑर्डर दिया, जिसके बाद के ITAT के पास अपील फाइल की गई। टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि उसने गलत क्लेम किया है, झूठा क्लेम नहीं किया है, उसने जो कंपटीशन ऑफ इनकम दिखाई है उसमें सभी फिगर जो है पहले ही दिखाई थी, ये जो गलती हुई है CA की वजह से हुई है, इस प्रकार SSC के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक जेन्युइन मिस्टेक हो गई थी। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस केस में टैक्स पेयर ने इनकम को कोई कंसील करने की कोशिश नहीं की है, ना ही मटीरियल फैक्ट को कंसील किया है। इस केस में टैक्स पेयर ने गलत क्लेम किया है लेकिन झूठा क्लेम नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर ने अपने बेटे को जो गिफ्ट की है प्रॉपर्टी की, वो गलती से ट्रांसफ़र मानते हुए उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिखा दिया था। इस प्रकार इस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इस केस में ITAT ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी रेफर किया, जिसमें के कहा गया है कि यदि व्यक्ति सभी पर्टिकुलर ITR में ट्रूली डिस्क्लोज कर देता है और सिर्फ इनकम को कंप्यूटेशन करते हुए व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि ITR को फाइल करते हुए कोई क्लरिकल एरर हो गई है तो उसकी वजह से पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है, तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।